Hey guys, this is Vimresh Yadav. You are watching Fitness Motivation. So today let's talk about what is keto. ये ketogenic diet plan क्या है? Ketogenic diet plan, it's a low carb, adequate protein and high fat diet plan है जो basically use किया जाता है fat reduce करने के लिए. इसके through आप 10 kg fat loss कर सकते हैं in a month. So ये जो video है एक informative video and recipe video है. So let's start this video. बॉडी में बेसिकली जो आप डेली फंक्शंस यूज करते हैं लाइक मूविंग रनिंग एंड वॉकिंग और स्लीपिंग सो उसमें एनर्जी यूज होती है. जो एनर्जी आपको मिलती है उसका जो सोर्स होता है वो सोर्स होता है कार्ब्स फैट एंड ग्लूकोज. सो बेसिकली कीटो डाइट में हम 10% कार्ब्स लेते हैं, 25% प्रोटीन एंड 65% होता है फैट. सो बेसिकली हम कार्ब्स बिल्कुल एलिमिनेट कर रहे हैं. इसमें फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि आप बॉडी से कार्ब्स बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं. कार्ब्स एलिमिनेट करने से होता ये है कि जो आपके बॉडी में जो फैट है जिसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू ब्रेक होता है, जिसको एक प्रोसेस होती है उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, जिसमें बॉडी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू फैट से कार्ब्स और या कहें आप ग्लूकोज निकालते हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो इसके थ्रू एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. ये प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी से फैट आराम से या इजीली रिमूव होने लगता है या रिड्यूस होने लगता है. सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इट्स अ इन्फॉर्मेटिव एंड अ रेसिपी वीडियो जिसमें आपके साथ में एक रेसिपी शेयर करने वाला हूँ जिसमें आप एक कीटो डाइट प्लान को मैनेज कर सकते हैं. सो मैं आपको ये साथ में ये सारी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा दिन स्टार्ट करेंगे बुलेट कॉफ़ी से. इसके लिए हमें चाहिए कॉफ़ी, 1 टेबलस्पून घी एंड हॉट वाटर. आप घी की जगह वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. लिए मैं एक जार में कॉफ़ी ऐड करूँगा, साथ में 1 टेबलस्पून घी एंड हॉट वाटर, और उसे मैं मिक्स करूँगा फॉर 1 to 2 मिनट्स. इसको बनाने के लिए मैं एक जार में कॉफ़ी ऐड करूँगा, 1 टेबलस्पून घी एंड हॉट वाटर, और इसे मैं मिक्स करूँगा फॉर 1 to 2 मिनट्स. सो आर बुलेट कॉफ़ी इज़ रेडी. सो बुलेट कॉफ़ी को मैं 2 बार यूज़ करूँगा, एक मॉर्निंग टाइम है और इवनिंग टाइम है. सो नाउ आर नेक्स्ट मील, पनीर एंड वेजीज. वी विल यूज़ दिस रेसिपी फॉर ब्रेकफास्ट एंड लंच. सो इसमें हम 2 मील बनाएंगे, ब्रेकफास्ट के लिए एंड लंच के लिए. सो मैं यूज़ करूँगा 200 ग्राम्स पनीर, कैप्सिकम, टमाटो एंड 2 टेबलस्पून घी एंड 1 चीज़ क्यूब. एड 1 टेबलस्पून घी इन अ पैन. इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे. इन एड 1 टेबलस्पून घी इन अ पैन एंड मैं फ्लेवर के लिए जीरा एंड हरी मिर्च यूज करूंगा. एड कैप्सिकम, इसे हम लो सिम पे फ्राई करेंगे एंड इसके बाद हम टमाटो इसमें ऐड करेंगे. ऐड सॉल्ट एंड इसके बाद हम इस पे चीज क्यूब ऐड करेंगे. नाउ ऐड पनीर एंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे स्लो सिम पे, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए. नाउ आर 2 मील्स आर कंप्लीट. इसे हम यूज करेंगे ब्रेकफास्ट एंड लंच में.
और लास्ट मील इज चीज़ ब्रोकली एंड वेजीज। इसके लिए हम यूज़ करेंगे बेल पेपर, टमाटो, 2 चीज़ क्यूब, 1 ब्रोकली एंड 2 टेबलस्पून घी। इसके लिए हम सबसे पहले ब्रोकली को बॉईल करेंगे। नाउ ऐड 2 टेबलस्पून घी इन अ पैन। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप इसमें बटर भी यूज कर सकते हैं। नाउ ऐड कैप्सिकम एंड टमाटो, इसे हम लो सिम पे मिक्स करेंगे। नाउ ऐड सॉल्ट एंड इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने दीजिए एंड इसके बाद आप इस पे चीज क्यूब ऐड कीजिए। नाउ इट्स आवर लास्ट स्टेप, इसमें हमें ब्रोकली को ऐड करना है पैन में एंड सारी वेजीज के साथ, सारे वेजिटेबल्स के साथ एंड चीज़ के साथ इसे मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक आप इसे मिक्स करिए जिससे आप सारा चीज़ एंड सारे वेजीज एक साथ मिक्स हो जाए। नाउ लास्ट मील इज कंप्लीट। ये मेरा 1500 कैलोरीज डेफिसिट कीटो प्लान है जिसके थ्रू मैं अपने कार्ब्स, अपना प्रोटीन एंड फैट मैं मैनेज करता हूं डेली रूटीन में। सो आप कीटो प्लान स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये टिप्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं। कीटो में वाटर इंटेक का ध्यान दीजिए। अगर आपका वाटर इंटेक कम है तो आपको क्रैम्प आ सकते हैं। यूज मल्टीविटामिन, नो इंटेंस वर्कआउट एंड साथ में आप लेमन का यूज कीजिए जिससे कि आप फैट के जो एसिड प्रॉपर्टी है वो कम कर सकें या उनको अवॉइड कर सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइस स्टे कनेक्ट। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं आपको उसमें सेकेंड मील बताने वाला हूँ जिसमें आप कीटो डाइट को इजिली मैनेज कर सकते हो। आज मैंने आपको बताया एक प्लान जो मैं कीटो से मैनेज करता हूँ, दूसरा मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बताऊंगा मैं नॉनवेज के थ्रू कि आप नॉनवेज में आप कीटो प्लान कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फिट।